संघ परिवार की और भाजपा की जो करतूतें रही हैं उससे नई पीढ़ी को जानने से रोकने की कोशिश आई है। संघ परिवार को और भाजपा की छवि को जो वॉशिंग मशीन में डाल के अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, कम से कम बच्चों के पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो सीधे सीधे सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाने के मॉडल पे काम कर रहे हैं। जो वर्ग, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो उसी इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाता है। एनसीईआरटी अपनी किताबों में कुछ बदलाव करने जा रही है और सबसे प्रमुख चीजें हैं बाबरी और गोधरा दंगों को अब नहीं पढ़ाया जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस सरकार में रहे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। शैलेश जी, एनसीईआरटी के इस निर्णय को कैसे देखिए? एनसीईआरटी का यह निर्णय बेहद बेतुका, गलत और मूल रूप से कहें तो संघ परिवार की और भाजपा की जो करतूतें रही हैं उससे नई पीढ़ी को जानने से रोकने की कोशिश है। ये महात्मा गांधी की गोडसे ने हत्या की, लेकिन गांधी की विचारधारा खत्म थोड़ी हुई, बल्कि गांधी की विचारधारा और फली फूली, पुष्पित, पल्लवित हुई। उसी तरह से इन अप्रिय घटनाओं को छिपा के संघ परिवार को और भाजपा की छवि को जो वॉशिंग मशीन में डाल के अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, कम से कम बच्चों के पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति बच्चों के पाठ्यक्रम में नहीं होनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं सकलानी जी, वो कह रहे हैं कि बच्चों को आखिर पढ़ाएं क्यों, बच्चे बड़े होंगे तो वो समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे। यानी बच्चों तक इस जानकारी को पहुँचने देने से रोकना, ये तो सीधे सीधे सरकारी स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाने के मॉडल पे काम कर रहे हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक शिक्षाविद जॉर्ज सेंटाइना ने कहा था कि जो जाति, जो वर्ग, जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो उसी इतिहास को दोबारा दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाता है। इन्हें ना शिक्षाविदों के विचारों से कोई सरोकार है। देश का संविधान ये कहता है कि बच्चों को जो चीज़ पढ़ाई जाए उसके लिए एक विशेषज्ञों की समिति बने जो नीति निर्धारण करे, हर चीज एक प्रक्रिया से गुजरे। लेकिन एनसीईआरटी ने आर्बिट्रेरली यह निर्णय ले लिया है, यह बेहद गलत है। मूल रूप से ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं जी। लास्ट सवाल था मेरा, लेकिन इसमें बाबरी और गोधरा को पढ़ाएं बच्चों को, ठीक है, एक जानकारी देनी चाहिए, लेकिन सिलेबस में क्यों शामिल करें, हटा दिए जाए? बहुत पहले हम लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन आज के समय में डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए और अदर अदर विषयों पे बात होनी चाहिए, वो सिलेबस में शामिल करें। गोधरा और बाबरी से आखिर मिलेगा क्या बच्चों को एक जानकारी? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। जो विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वे कहते थे ना कि ये जो बांध बन रहे हैं, फैक्ट्रियां बन रही हैं, ये आधुनिक भारत के तीर्थ हैं, उसको दरकिनार करना चाहते हैं और अपने कलुषित इतिहास को छिपाना चाहते हैं, बच्चों की जानकारी में नहीं लाने देना चाहते हैं। यह शिक्षा जगत में ऐसी राजनैतिक सोच बेहद दुखद है और देश हित में नहीं है। तो आपने सुना शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनसीईआरटी भी जो है अब स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर जैसी जो सिलेबस है वो दे रही है, जो पूरे देश के लिए सही नहीं है, और इतिहास को छिपाना नहीं चाहिए, जो देश में घटनाएं हैं उसको बताना चाहिए। अब कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आने वाले समय पर इसमें किस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच वाद विवाद और वार पलटवार हो रहा है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर।